लैप एंड डाई, ये फर्टिलिटी जांचने की एक बहुत ही कॉमन टेस्ट है और इसके लिए हमें एक एआरटी सेंटर पर जाना पड़ता है या फिर एआरटी सेंटर पर जो एडवाइस करते हैं तो मरीज को किसी लैप्रोस्कोपिक सेंटर पर जा करके ये टेस्ट करानी पड़ती है। इस टेस्ट का जो इंडिकेशन है वो है उसका ट्यूबल पेटेंसी को टेस्ट करना, ट्यूब की जांच करना। अगर ट्यूब पेटेंट है तो हम इस विधि से, लैप्रोस्कोपी विधि से जांचते हैं कि इसके दोनों ट्यूब खुले हुए हैं। अब बताइए कि लैप्रोस्कोपिक के द्वारा ही हम क्यों टेस्ट करते हैं? टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक और भी विधि है जिसे हम HSG बोलते हैं, जिसमें हम डाई डालते हैं और डाई डाल करके हम उसका एक्सरे प्लेट निकालते हैं और फिर हम ट्यूब की पेटेंसी जांच करते हैं। लेकिन हम बताना चाहेंगे कि जो हमारा HSG टेस्ट है उसका जो सर्टेनिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। कभी कभी ट्यूब बंद होते हैं तो उसके बावजूद हमारा टेस्ट जो है वो सही आता है, लेकिन अगर कभी कभी ट्यूब जब खुले होते हैं तो वैसे कंडीशन में हमारा ट्यूब ब्लॉक भी आ जाता है क्योंकि ये स्पाद में चले जाते हैं और उस समय जब डाई पास नहीं करता है तो हमें रिजल्ट में वो ट्यूबल ब्लॉकेज का रिपोर्ट मिलता है। लेकिन नॉर्मली जो ये टेस्ट होता है HSG वो काफ़ी पेनफुल भी होता है, कभी कभी अंडर एनेस्थीसिया भी ये जो टेस्ट है वो की जाती है, लेकिन लैप एंड डाई टेस्ट है वो बिल्कुल ही श्योर शॉट टेस्ट है और इसमें 100% कन्फर्मेटरी है कि अगर ट्यूब ब्लॉक है तो, और अगर ट्यूब ब्लॉक नहीं है तो दोनों ही कंडीशन के बारे में मुझे और भी डिटेल जानकारी मिलती है। जैसे कि ट्यूब ब्लॉक है और उसमें हाइड्रोसेल्पिंग्स हैं वो मुझे पता चल जाता है, किस साइड पर मेरा ट्यूब ब्लॉक है, मेरा कॉर्नियल ब्लॉक है या मेरा फिमरियल ब्लॉक है। तो ये जो डायग्नोस्टिक लैप एंड डाई टेस्ट है वो बिल्कुल ही जो पेटेंसी के लिए टेस्ट है वो बिल्कुल ही सटीक टेस्ट है जो लैप्रोस्कोपिक विधि के द्वारा की जाती है। और इस केस में पेशेंट को हॉस्पिटल में आना पड़ता है और सेम डे हम लोग उसे डिस्चार्ज कर देते हैं, हॉस्पिटल में स्टे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिंपली हम जो 3 पोर्ट बनाते हैं जिस छेद से कैमरा को अंदर ले जाते हैं वहाँ पर ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद जो हम स्टेपलर पिन देते हैं उस पिन को हम रिमूव कराने के लिए मरीज को 7वें दिन हॉस्पिटल बुलाते हैं और फिर उसके बाद जो हमारा पोस्ट ऑपरेटिव प्रोटोकॉल है उसे हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। तो हम बताएंगे कि लैप्रोस्कोपी टेस्ट नॉट ओनली द डायग्नोसिस फॉर द ट्यूबल पेटेंसी बट ऑल्सो सपोर्ट इन डायग्नोसिस ऑफ एनी प्रॉब्लम इन द पेल्विक कैविटी, इन द एब्डोमिनल कैविटी। हम दोनों जगह के बाकी जो भी समस्याएं हैं यूट्रस के रिलेटेड या ट्यूब से रिलेटेड या ओवरी से रिलेटेड, इस प्रक्रिया के दौरान हम तीनों चीज़ को बहुत अच्छे से देख पाते हैं, डायग्नोसिस कर पाते हैं। तो बस यही बताना चाहेंगे कि लैप्रोस्कोपिक जो लैप एंड डाई टेस्ट है वो ओनली ट्यूबल पेटेंसी का टेस्ट नहीं है बल्कि एक डायग्नोस्टिक टेस्ट भी है जिसमें हम पेल्विक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के सारी समस्याओं को हम खोज पाते हैं, ढूंढ के निकाल पाते हैं और उसका हम सही इलाज कर पाते हैं। धन्यवाद।